हेलो बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा होगा, इक्वी मतलब होता है इक्वल एंड पोटेंशियल का मतलब सिंपल पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, ऐसा कोई भी सरफेस, जैसे आप अपना नोटबुक देख लीजिए, तो नोटबुक के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है अगर आपस में इक्वल हो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है तो जस्ट इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट, जस्ट इस पॉइंट पे भी 10 वोल्ट, एवरी पॉइंट पे 10 वोल्ट अगर हो, मतलब इक्वल पोटेंशियल हो, तो हम लोग बोलेंगे कि आपका जो नोटबुक है वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हो गया। डेफिनेशन देखिए, द सर्फेस एट विच पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल इज डिफाइंड एज इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। ऐसा कोई भी सर्फेस जिसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। बेटा जो कंडक्टर होता है ना, वो सबसे बेस्ट इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का एग्जाम्पल होता है। मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट को हम लोग इक्वी पोटेंशियल कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कंडक्टर पूरा एकदम कम्प्लीटली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है। अब वो कैसे होता है ये जब मैं अभी डिराइव करूँगा तो आपको दिखाऊँगा वहाँ पर। ओके, जब मैं पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर डिराइव करूँगा तो आपको दिखाऊँगा उसके बारे में। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलॉन्ग इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी सरफेस के अलॉन्ग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेप हो गया, आर्बिट्रेरी शेप ले रहा हूँ मैं, एक रैंडम कोई भी शेप, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ए से बी की तरफ जाते हैं, और अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मींस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। सो अगर आप एक चार्ज को यहाँ से मूव करके ले जाते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज एंड फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल आपस में इक्वल, तो आपको वर्क डन क्या मिल जाएगा बच्चों, जीरो मिल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या रिलेशन आएगा, इस चीज़ को अपने को समझना है। ओके, सो आप वर्क एनर्जी पावर टॉपिक में एक पॉइंट आप जानते होंगे सभी लोग कि एफ इज इक्वल टू माइनस ड्यू अपॉन डी आर। ये रिलेशन सभी को मालूम होगा, वर्क एनर्जी पावर में अपने को ये रिलेशन पढ़ना है। अब यहाँ पर जो एफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्चुअल रिलेशन कैसे आता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो आपको फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ जो आपको एफ दिख रहा है इसको आप क्या लिख देंगे, इसको आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और यहाँ जो पोटेंशियल दिख रहा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, इसको आप लिख देंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अपॉन डी आर। बोथ साइड से आप चार्ज को कैंसिल कर दीजिए तो देखिए आपको क्या मिला रिलेशन, यहाँ से जो रिलेशन मिला आपको ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि डी यू इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको साइड में करके आपको यहाँ पे इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। देखो डी आर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स का है। सो आप यहाँ पर इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखना चाहते हैं वैक्टर फॉर्म में यहाँ पर, तो आप लिखेंगे माइनस, एक बार आप पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई कैप लगाएंगे, फिर दोबारा आप उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जे कैप लगाएंगे, फिर इसको जब आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप उसको के कैप लगाएंगे। ओके, के कैप वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि ये पोटेंशियल का है, तो
आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको डी आर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जो डी आर है ना उसको मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप लिख देंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। अब अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, जैसे कि ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली करना है आपको, मतलब जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आप एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, और जो डी आर है उसको भी आप लिख दीजिए, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर ई एक्स और ई वाई वेरिएबल है तो आप इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये वेरिएबल है तो आप इन सबको ऐसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा। अब मैं एक बार जरा आपको ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ कि ये जो है ना इसका साइन का क्या मतलब है, जैसे ये लिखे है ना इसका क्या मतलब है। ये जो साइन है ये, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बाकी सबको कांस्टेंट रखते हुए। तो जैसे यहाँ पे है डेल्टा वी मतलब डी वी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब हो गया कि आप पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट तो कर रहे हैं बट आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई और जेड को आपने कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लिया है। तो वाई जेड को आपने कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हुए आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पर क्या है कि आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लिया, अगर आपने जेड के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स और वाई को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब होता है। आपको क्वेश्चन के थ्रू भी मैं इसको समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखिए। और बच्चों ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशन। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always from high potential to low potential, is always from high potential to low potential, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि in the direction in the direction of electric field potential always decreases, मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ए से बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी का जो पोटेंशियल होगा वो ए से कम होगा, हम लोग ये बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। या फिर आप उल्टा उसको क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल हमेशा हाई से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, और अगर आपको समझना है कि कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, तो आप इसको समझ सकते हैं इस चीज़ से कि देखिए अगर यहाँ पर एक 20 कूलम का चार्ज है
और एक यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसके पास पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा है ना, इसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास पोटेंशियल कम होगा। ओके, क्योंकि दोनों का मान लो रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है, दोनों जो स्फीयर यहाँ पे होगा दोनों का सेम रेडियस होगा, तो आप देख सकते हैं कि जिसके पास चार्ज ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसके पास ऑब्वियसली फील्ड का जो लाइंस होगा वो ज़्यादा होगा। या फिर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, तो आप देखिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव में, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में है, तो चार्ज हमेशा फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ निकलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, मतलब हाई से लो हो गया। ओके, देखिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस भी लिया गया है। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये। देखिए अभी जस्ट आपको मैंने लिखवाया है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। सो अगर ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ, इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। देखिए ये पूरा जो है ना बच्चों एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, मतलब इसके हर पॉइंट पे यहाँ पर सबका पोटेंशियल क्या है, 10 है, इसके हर पॉइंट पे क्या है, 20 है, इसका हर पॉइंट पे क्या है, 30 है, इसका हर पॉइंट पे क्या है, 40 है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। एंड मैंने लिखवाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, रीज़न क्या है वैसा होने का ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस से ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज में लिखवाया था। तो देखिए तो अगर ये इलेक्ट्रिक, ये अगर पोटेंशियल हो गया, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये वाला हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, कंडक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर, सो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब किसी में भी देख लीजिए, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 10, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 10, तो इधर भी फील्ड लाइंस इधर ही होगा, ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। तो हम लोगों को इस ऐसे केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्शन तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डायरेक्शन अच्छा यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ अपने को, ठीक है, तो देखिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके, तो और ये 30 है, और ये वाला पॉइंट देखिए कि ये लाइन इससे 90 डिग्री, मतलब इधर से भी 90, तो अगर ये वाला एंगल 30, ये वाला, तो इधर कितना हो जाएगा, 60, ओके, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो अगर ये 60 हो गया देन ये 90 और ये 30 कितना हो जाएगा, 120। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ई इज 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर होता है कि चेंज इन पोटेंशियल अपॉन, नेगेटिव साइन यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस डिस्टेंस, बट कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पर देखें चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, ओके, सो 20 माइनस 10 हो गया, ठीक है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप देखें ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 है, तो अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करते हैं इस 10 का, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, ओके, सो अगर इसका आप यहाँ पर ब्रेक करते हैं कंपोनेंट, तो आपको कंपोनेंट देखिए क्या मिलेगा, ये 30 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस मिलेगा परपेंडिकुलर, ये मिलेगा 10 sin 30, तो आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में है, ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, और इधर में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इतना कितना आया था, 10 आया था अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है इसलिए माइनस साइन मैंने नहीं लिया था यहाँ पर, क्योंकि वो माइनस साइन तो कैंसिल होना ही था अपने पास, ओके सो 5 सेंटीमीटर है तो ये 10^-2 हो जाएगा, तो 10/5 सेंटीमीटर और 10^2 आप यहाँ भेज दीजिए तो आपको मिलेगा 200 वोल्ट पर मीटर, 200 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस दिया होगा तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, दो सर्फेसिस के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, उसके बाद फिर आपको उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस इज वी इक्वल टू बी इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1, 1 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ बी इज इक्वल टू 10 SI यूनिट। तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर पोटेंशियल हमें दिया रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, मतलब आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ओके ओके सो देखिए ये वेक्टर फॉर्म में होगा कम्प्लीटली, सो आप क्या करें यहाँ पर कि इसको 1/1 डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक साथ पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गलत होने के चांसेस आपसे होंगे, तो आप क्या करें, जैसे पोटेंशियल आपको दिया हुआ है यहाँ पर बी इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो आप उसको 1/1 डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर आप 1/1 डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो एरर के चांसेस नहीं होंगे, तो पहले आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, और ये क्या बोलता है कि सिर्फ हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी अदर्स को जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको क्या करेंगे हम लोग कॉन्स्टेंट मानेंगे, ओके और जो एडिशन में होगा उसको भी कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे, तो जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, ये जैसे सिंपल एक होता है ना 2x, तो 2 कॉन्स्टेंट होता है उस टाइप से, ये 2 जैसे कॉन्स्टेंट होता है वैसे ये कॉन्स्टेंट रह जाएगा, ये कंप्लीट कॉन्स्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसमें z कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b इंटू वाई प्लस जेड मिलेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो क्या बच गया y z, और ये इसमें y का देखो इसमें x का कहीं फंक्शन ही नहीं है तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको क्या बोला गया कि x y z तीनों क्या लेना है हम लोगों को 1 लेना है, तो b का वैल्यू 10 है और ये कितना है 1+1 2, तो आपको क्या मिलेगा 20 वोल्ट पर मीटर। अब एक बार आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ y वाला टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर y डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या बचेगा x, और इधर में क्या बच जाएगा z, तो x प्लस z, दूसरा वाला जो टर्म है ये वाला पूरा कम्प्लीटली 0, क्योंकि इसमें कहीं पर भी y का टर्म नहीं है, तो जब कम्प्लीटली 0 हो जाएगा बच्चों तो ये हम लोग 10 × 1+1 20 वोल्ट पर मीटर, मतलब इसमें हम लोगों को जहां पर भी जैसे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो y इसमें कहीं है ही नहीं आपको, तो अगर y नहीं है तो कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है, जैसे मान लो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x + 3, तो ये 3 जैसे कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट होता है और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, उसी टाइप से इसको मान लीजिए कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है, जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जब मैं इसको z के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो जब मैं इसको z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो देखिए z इसमें है और इसमें है, तो ये y रह जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर z हट जाएगा तो x, क्योंकि ये z दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना, पावर 1 है तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद तो ऑब्वियसली वो हट जाएगा वहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ y और x बचेगा, इसमें z कहीं नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 इसमें y प्लस x, तो y प्लस x, ओके तो आपको 10 × 1+1 20 वोल्ट
पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर। अब हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप इसको पुट कर दीजिए, 20 i कैप, सब 20 आया, 20 j कैप, 20 k कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, सभी के सभी एक्स वाई जेड में है, तो आप लिखेंगे 20, जैसे थ्री डायमेंशन का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आप उसी टाइप से इसका निकालेंगे। ओके बच्चों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे इसमें मिलते रहेंगे। ओके कोई पॉइंट समझ में नहीं आने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हैं, फिर उस पॉइंट को मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो नेक्स्ट आपका क्लास लूँगा ऑनलाइन, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 20√3। ओके 20√3, क्योंकि तीनों सेम है तो हम सीधे क्या करें, 20 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 20√3 वोल्ट पर मीटर इसका हो जाएगा। ओके न्यूटन पर कूलम भी इसका यूनिट होता है, इसको वोल्ट पर मीटर बार बार लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखे चले हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो फाइंड पोटेंशियल एट 2,2। बोला जा रहा आपसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अब आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो लीजिए, फाइंड पोटेंशियल एट 2,2। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए हमें पोटेंशियल चाहिए। ओके सो पोटेंशियल चाहिए तो हम लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके सो यहाँ पर देखिए आपके पास दिया हुआ है ex कितना है, ये 20 i कैप है, तो 20 i कैप का मतलब ex कितना हुआ 20, एंड जो ey है ये कितना है 30 है। तो अगर हम लोग को ex और ey मालूम हो गया तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जीरो से लेकर के v पोटेंशियल, ओरिजिन से आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है तो जीरो, तो ओरिजिन पे आपको क्या बोला गया, जीरो पोटेंशियल, तो आप जीरो से लेकर के v तक ले चलिए, वेयर v इज द पोटेंशियल एट 0.2,2। सो जब एक बार आप x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ex, और कंप्लीट के बाहर माइनस साइन लगा दीजिए, तो ex dx जीरो से लेकर के 2 तक, फिर 0 से 2 ey dy। ठीक है ये पूरा फॉर्मूला आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया था, देखिए यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कीजिए यहाँ पर, तो अब ex और ey दोनों आपको मालूम ही है पहले से, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन दूसरे साइड में लिखेंगे तो क्या होगा, v माइनस जीरो दैट इज़ v, और इधर में माइनस तो कम्प्लीटली बाहर हम लोगों के पास है, और ये हो जाएगा 20 dx इंटीग्रेशन 0 से 2, यहाँ पर 30 dy इंटीग्रेशन 0 से 2, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को माइनस, और ये 20x 0 से 2 प्लस 30y 0 से 2। तो अब पुट कर दीजिए, तो 20 × 2 20 × 2 − 0 प्लस 30 × डायरेक्ट लिख रहा था मैं, बट सोचा मे भी किसी को समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी, है ना, परेशान होंगी, इसलिए मैंने वापस से 2 − 0 कर दिया, तो ये आ जाएगा 40 और ये 60। तो आप देखें आपको यहाँ से क्या मिलेगा, −100 वोल्ट्स मिलेगा, −100 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। ओके तो एट इट्स सेंटर, एक काम करते हैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं,
ड्यू टू सब ब्लरिंग हो गया, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एट सेंटर। तो सेंटर पे अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट, तो जैसे अपने पास ये रिंग हो गया, ओके, और इस रिंग के पास जो चार्ज है, इस रिंग का आप लोग रेडियस कुछ कंसिडर कर लें कि रेडियस आर है एंड चार्ज क्यू है। तो अगर रिंग का रेडियस आर, चार्ज क्यू, ओके, सो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, जैसे कि डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ऐसे आप छोटे छोटे एलिमेंट्स मान सकते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। ओके, सो आप क्या करेंगे, जस्ट ड्यू टू वन स्मॉल एलिमेंट आप जो पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, मतलब आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या लिखते हैं पोटेंशियल, मालूम है ना आप लोगों को, तो आप क्या लिखेंगे के डी क्यू बाई आर। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल चार्ज है या डिस्टेंस है, तो वेरिएबल चार्ज है यहाँ पर, कि चार्ज तो ऐड कर रहा हूँ ना मैं डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो चार्ज वेरिएबल है, और जब सारे चार्जेस को मैं जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, कैपिटल क्यू, तो जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर में मिलेगा वी माइनस जीरो, और इधर में क्या मिलेगा के क्यू माइनस जीरो अपॉन आर। तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा इसके सेंटर पे वो हो जाएगा के क्यू बाई आर, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है। अब इसके एक्सिस पे देख लेंगे हम लोग, बच्चों ये इसके सेंटर पे हो गया, इसमें एंगल होता नहीं है, जैसे पोटेंशियल तो देख लिया हम लोगों ने, बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता सेंटर पे तो क्या मिलता है रिंग के, जीरो, क्योंकि ये इसको कैंसिल करता है, ये इसको कैंसिल करता है, ऐसे है ना, ऐसे कैंसिल करता है, बट पोटेंशियल के पास तो डायरेक्शन होता नहीं है तो कैंसिल करेगा नहीं, ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखें आप लोग, नेक्स्ट है एट एक्सिस, सो एक्सिस पे देखें अगर हम किसी एक्सियल पॉइंट पे देखें तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क आएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके एक्सिस पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओके, सो ये आर हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक है। पहले क्या था कि सेंटर पर निकाले तो डिस्टेंस कितना ले रहे थे हम लोग, कैपिटल आर, ओके, इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस बार डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। चार्ज टोटल कितना, क्यू, तो इस बार जो है ना, इस बार यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस का फर्क आएगा बच्चों, है ना, तो अगर आप इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं के डी क्यू अपॉन आर, तो देखिए डी वी इज इक्वल टू जीरो से वी, और यहाँ पर के डी क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करना है आपको जीरो से क्यू तक, और कुछ नहीं, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसके एक्सिस पे जो पोटेंशियल आएगा वो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखें आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट लिखें आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों, सर्कुलर आर्क की वजह से। तो सपोज करें हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, ओके, हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है ऐसा, और इसकी वजह से मुझे इसके सेंटर पे यहाँ पर फाइंड करना है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और चार्ज क्यू है, तो इसको भी आप एलिमेंट के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, ओके, इसको भी आप एलिमेंट के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं डी क्यू डी क्यू,
तो आप यहाँ जब पोटेंशियल लिखेंगे तो आप पोटेंशियल क्या लिखेंगे, देखिए सेम वही रिंग के जैसा ही आएगा, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो चार्ज के फॉर्म में हो गया, बट अगर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, लैम्डा के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और ये तो कम्प्लीटली आर्क है, तो एक आर्क है, तो आर्क का लेंथ यहाँ पर हो गया। ओके, तो आप यहाँ से आर्क जो निकालेंगे, जो आर्क का लेंथ निकालेंगे, वो आर्क आपको कितना मिलेगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर मिलेगा। एंड लैम्डा क्या होता है बच्चों, लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, और लेंथ यहाँ पर क्या है, आर्क है, तो आर्क की जगह पे आप क्या रख देंगे, देखिए लैम्डा इंटू आर्क, एंड आर्क की जगह पे आप रख देंगे लैम्डा थीटा आर। तो उस क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो के इंटू क्यू, क्यू कितना है, लैम्डा थीटा इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो आपको वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के लैम्डा थीटा। तो अगर आपको एंगल मालूम हो रेडियन में और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम हो, तो आप आर्क का यहाँ पर, आप यहाँ पर आर्क का जो पोटेंशियल है, आर्क का जो पोटेंशियल है उसके सेंटर पे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों, उस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, प्लेट, इन सब की वजह से देखेंगे।